राजकुमार राव की फिल्म स्त्री बहुत जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। स्त्री ने अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि फिल्म का बजट महज 20 करोड़ है। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री की रफ्तार देखकर लग रहा है कि फिल्म बहुत जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इतनी कामयाबी के साथ ही अब राजकुमार राव के हाथ एक और बड़ी कॉमेडी फिल्म लग गई है। दरअसल राजकुमार राव को अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया गया है और अजय देवगन की इस फिल्म का डायरेक्शन हंसल मेहता करेंगे, तो वहीं अजय इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। खबरें तो ये भी हैं कि स्त्री में राजकुमार की कॉमिक टाइमिंग से इम्प्रेस होकर खुद हंसल मेहता ने राजकुमार को ये फिल्म ऑफर की है। फिलहाल देखना ये होगा कि राजकुमार हंसल की फिल्म को लेकर किस तरह अपना काम करते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल पूरी तरह बिजी है। राजकुमार राव जल्द ही मेड इन चाइना और अनुराग बासु की फिल्म इमली में नजर आएंगे। इसके साथ ही राजकुमार कंगना के साथ मेंटल है क्या, सोनम कपूर के साथ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और नरगिस फाकरी के साथ 5 वेडिंग्स में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। राजकुमार राव की फिल्म स्त्री बहुत जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। स्त्री ने अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि फिल्म का बजट महज 20 करोड़ है। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री की रफ्तार देखकर लग रहा है कि फिल्म बहुत जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। इतनी कामयाबी के साथ ही अब राजकुमार राव के हाथ एक और बड़ी कॉमेडी फिल्म लग गई है। दरअसल राजकुमार राव को अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया गया है और अजय देवगन की इस फिल्म का डायरेक्शन हंसल मेहता करेंगे, तो वहीं अजय इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। खबरें तो ये भी हैं कि स्त्री में राजकुमार की कॉमिक टाइमिंग से इम्प्रेस होकर खुद हंसल मेहता ने राजकुमार को ये फिल्म ऑफर की है। फिलहाल देखना ये होगा कि राजकुमार हंसल की फिल्म को लेकर किस तरह अपना काम करते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल पूरी तरह बिजी है। राजकुमार राव जल्द ही मेड इन चाइना और अनुराग बासु की फिल्म इमली में नजर आएंगे। इसके साथ ही राजकुमार कंगना के साथ मेंटल है क्या, सोनम कपूर के साथ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और नरगिस फाकरी के साथ 5 वेडिंग्स में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।